दोस्तों 1947 एक ऐसा वक्त था जब देश के बंटवारे की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए। इस वक्त न सिर्फ आम लोग बल्कि कई कलाकार भी अपना सब कुछ एक तरफ छोड़कर दूसरे मुल्क में पनाह लेने आए थे। उन्हीं में से एक थे बॉलीवुड के जुबली कुमार यानी एक्टर राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार ने उस वक्त स्टारडम की वो ऊंचाइयां छुई जो आज तक कोई नहीं छू पाया। एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी लगभग हर एक फिल्म सिल्वर जुबली होती थी। वैसे अगर उस वक्त सुपरस्टार का दर्जा होता तो राजेंद्र कुमार इसके पहले हकदार होते। लेकिन दोस्तों आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या आप उनकी पत्नी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी नजर आती हैं? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब देने वाले हैं। दोस्तों अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को पंजाब के सियालकोट में हुआ था। इनके पिता एक उद्योगपति थे। साल 1950 में आई फिल्म जोगन से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म में काम तो मिल गया था, लेकिन पहचान बनाने के लिए राजेंद्र कुमार को 7 साल लग गए। इसके बाद साल 1957 में नरगिस के साथ राजेंद्र कुमार को मदर इंडिया में काम करने का मौका मिला। फिल्म में राजेंद्र कुमार का किरदार तो बहुत छोटा था, लेकिन उनके काम की जमकर तारीफ हुई। इसके बाद उन्हें और भी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। राजेंद्र कुमार ने गीत, साथी, सूरज, संगम, ससुराल और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में काम किया है। राजेंद्र कुमार का अभिनय इतना बेहतरीन था कि इनकी लगभग हर फिल्म सिल्वर जुबली होती थी, यानी 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी रहती थी। इसी वजह से लोग उन्हें जुबली कुमार कहकर बुलाने लगे। इसके बाद राजेंद्र कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने 4 दशक लंबे करियर में ढेरों सुपरहिट फिल्में दी। बात की जाए इनकी खूबसूरत पत्नी की तो राजेंद्र कुमार ने शुक्ला नामक लड़की से शादी की थी। हालांकि राजेंद्र कुमार की पत्नी के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। शुक्ला एक हाउसवाइफ हैं और लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन वे दिखने में किसी बॉलीवुड अभिनेत्री से कम नहीं हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस सायरा बानो राजेंद्र कुमार पर अपना दिल हार बैठी थी। राजेंद्र कुमार पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। इसके बावजूद भी सायरा बानो उनसे शादी करके घर बसाना चाहती थी, लेकिन राजेंद्र कुमार ने उनसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं आपको बताते चलें कि राजेंद्र कुमार के 3 बच्चे हैं। इनके बेटे कुमार गौरव एक अभिनेता है और उनका विवाह संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से हुआ है। हालांकि आज अभिनेता हमारे बीच नहीं है। कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु 12 जुलाई 1999 में हुई थी। तो दोस्तों आपको राजेंद्र कुमार की खूबसूरत पत्नी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही गुजरे जमाने के कलाकारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।